खबर देवरिया जनपद से, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज एआरटीओ कार्यालय के निकट सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि मार्ग में सड़क दुर्घटना में घायल हो कोई व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तत्काल 112 नंबर पर अथवा क्षेत्र के संबंधित किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को दे। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि भारत में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सावधानी बरत कर एवं ट्रैफिक नियमों का पालन कर इनसे बचा जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करने में प्रशासन के साथ जन सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। यदि लोग स्वप्रेरणा से ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं स्वतः कम हो जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई और गुड सैमरिटन संजय पाठक को सम्मानित भी किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत वाहन रैली को भी रवाना किया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा, अधीक्षण अभियंता जीएस वर्मा, एआरटीओ आशुतोष शुक्ला, अधीक्षक अभियंता डीआईओएस विनोद राय, एक्सएन पीडब्ल्यूडी आरके सिंह, पीटीओ अनिल तिवारी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, वाहन रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, शराब पीकर या नशे की चलाएंगे, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत लोगों ने ये पढ़ा होगा कि दिल्ली में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, 5 लोगों उसको घसीट ले गए, वो दारू पिए हुए थे। पंजाब में 5 लोग 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, वो मारे गए। तो क्या उनके हम और आप शायद सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ और शायद हम लोग इन आंकड़ों को इस तरह से देख पा रहे हैं। परंतु जहां पर ये घटना हुई उसका क्या असर होगा, उस परिवार में उसकी प्रतिपूर्ति करना ये संभव हो ही नहीं सकता। और खासतौर से इकोनॉमी को जितना नुकसान है, एक परिवार की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसको जो नुकसान है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। उसके बाद भी हमारे किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या दिखाया गया? आज से सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ किया गया है शासन की प्राथमिकता के अनुसार। जैसा हम लोग अवगत हैं कि भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हो जाती है एक वर्ष में, उसको हमें घटाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य दिया है कि 50% से भी कम रह जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम किया गया है। लोगों को हमें अवेयर करना है कि उनकी जान कीमती है। जो समाज का सबसे उत्पादक वर्ग होता है, जो भ्रमणशील होता है, जो रोजगार के सिलसिले में जाता है, वो प्रभावित होता है। और अभी हमने हाल में देखा है कि कई अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएँ शराब पीने की वजह से या अन्य कारणों से हुई हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने लोगों को ये अलग जगाने के लिए वाहनों को भी रवाना किया है। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और इस प्रकार के सावधानी बरतें कि देश में इस प्रकार की दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेट ना हो और सभी लोग स्वस्थ रहें। एक माह का कार्यक्रम है तो आज ये 5 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 4 और 5 फरवरी तक ये रहेगा। और हमारा प्रयास होगा कि हम हर तबके तक, हर समुदाय तक, हर वर्ग तक पहुँचें और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करें।